कहानी की शुरुआत में हम ट्रेसिया नाम की एक प्रेग्नेंट औरत को देखते हैं, जिसका पति डेनियल कुछ सालों से मिसिंग था। इसीलिए ट्रेसिया हर साल स्ट्रीट पर अपने पति के मिसिंग पोस्टर लगाती है। ट्रेसिया डेनियल से बहुत प्यार करती थी, इसीलिए उसे हर जगह डेनियल दिखाई देता था। एक दिन ट्रेसिया डेनियल की डेथ इन एब्सेंटिया डिक्लेयर करने के लिए कोर्ट में अप्लाई करती है, क्योंकि अब उसे लगने लगा था कि डेनियल कभी वापस नहीं आएगा। यहाँ ट्रेसिया से मिलने के लिए उसकी बहन कैली आती है, जो कि एक ड्रग एडिक्ट है। वो ड्रग छोड़ना चाहती थी, इसलिए वो ट्रेसिया के यहाँ रहकर उसे सपोर्ट देने आई होती है। कैली ट्रेसिया के होने वाले बच्चे के लिए एक टेडी बियर और बुक लाई होती है, जिसे देखकर ट्रेसिया खुश होती है। रात के समय में दोनों ड्रिंक करती हैं और एक दूसरे से बातें करने लगती हैं। तभी कैली ट्रेसिया से उसके होने वाले बच्चे के पिता के बारे में पूछती है, जिस पर ट्रेसिया कुछ नहीं कहती। तब कैली उससे डेनियल की डेथ इन एब्सेंटिया के बारे में पूछने लगती है, जिस पर ट्रेसिया कहती है कि मुझे पुलिस स्टेशन जाकर एक स्टेटमेंट देना होगा, जिससे मुझे डेनियल का डेथ सर्टिफिकेट मिल जाएगा और डेनियल के लाइफ इंश्योरेंस का पैसा भी, जिससे वो अपने सारे कर्ज चुकाकर इस जगह को छोड़कर कहीं और चली जाएगी, क्योंकि उसे यहाँ डेनियल की यादें आती थी। वेल, सोने के बाद हम कैली को देखते हैं, जो अपने ड्रग्स को अपने बेड के नीचे छुपा लेती है। जब ट्रेसिया सो रही होती है, तब उसे एक डरावना सपना आता है, जिससे वो जाग जाती है। फिर अगली सुबह हम कैली को जॉगिंग करते हुए देखते हैं, जिस दौरान वो एक टनल के अंदर जाती है, जिसके अंदर काफी अंधेरा होता है। कैली को यहाँ की स्ट्रीट पर लोगों और उनके डॉग्स के मिसिंग पोस्टर दिखाई देते हैं। जब कैली उस टनल से वापस घर आती है, तब उसे वहाँ पर एक आदमी दिखाई देता है। ये आदमी अपना नाम वॉल्टर बताता है और कैली से पूछता है कि क्या तुम मुझे देख सकती हो, जिस पर कैली हाँ में जवाब देती है और वॉल्टर की बातों से हैरान होती है। तभी वॉल्टर उसे अपने बच्चे जेमी से कॉन्टेक्ट करने में मदद मांगता है, लेकिन कैली उससे डरकर वहाँ से भाग जाती है। घर आने पर ट्रेसिया कैली को डिटेक्टिव मैलरी से मिलाती है, जो कि डेनियल के मिसिंग केस को संभाल रहा था। तभी हमें पता चलता है कि ट्रेसिया के होने वाले बच्चे का पिता मैलरी है और वो दोनों रिलेशन में हैं। खैर, मैलरी के जाने के बाद ट्रेसिया को डेनियल दिखाई देने लगता है, जिससे ट्रेसिया डर जाती है। जिसके बाद कैली वॉल्टर के लिए खाना लेकर टनल में जाती है, लेकिन उसे वहाँ कोई नहीं दिखाई देता, इसीलिए वो खाने के टिफिन को वहीं रखकर चली जाती है। रात के समय एक बार फिर ट्रेसिया को डेनियल का सपना आता है, जिसमें डेनियल उसके बच्चे को चोट पहुंचा रहा था। ट्रेसिया अपने सपनों से परेशान होकर सुबह एक साइकाइट्रिस्ट के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है, जिस पर डॉक्टर कहता है कि ऐसे सपने आना नॉर्मल है, क्योंकि जब से तुमने डेनियल के डेथ सर्टिफिकेट को बनवाने का सोचा था, तब से तुम्हारे माइंड में डेनियल की मौत दिखाई दे रही है और तुम्हें उसके डरावने सपने आ रहे हैं। दूसरी तरफ हम कैली को देखते हैं, जो जॉगिंग करके घर आती है। तभी उसे वहाँ अनजान लोगों की चीजें मिलती हैं, जिसे देख वो सोचती है कि शायद वॉल्टर ने उन्हें यहाँ रखा है, इसलिए वो उन चीजों को उठाकर टनल के बाहर रख देती है, जिस दौरान एक आदमी उसे टनल के बाहर चीजें रखने से मना करता है। इसके बाद वो अनजान आदमी टनल के बाहर एक ब्लैक पॉलीथीन रखकर चला जाता है। फिर हम कैली और ट्रेसिया को उनकी लॉयर के यहाँ देखते हैं, जो कि डेनियल के डेथ सर्टिफिकेट की बात करने आई होती है। तभी यहाँ भी अचानक से ट्रेसिया को डेनियल दिखने लगता है, जिससे वो डर जाती है। खैर, रात के समय कैली को वॉशरूम में एक कीड़ा दिखता है, जिसे देखकर वो उसे फ्लश कर देती है। इसी बीच उसे पर्दे के पीछे किसी कीड़े की आवाज सुनाई देती है। चेक करने पर उसे वहाँ कुछ नहीं दिखाई देता। दूसरी ओर ट्रेसिया को मेडिटेशन के समय भी अब डेनियल दिखाई देने लगा था, जो कि ट्रेसिया के लिए बहुत ही डर पैदा कर देता है। कैली जब सो रही होती है, तब उसे अपने बेड पर वही चीजें दिखाई देती हैं जो उसने टनल के बाहर रखी थी। इसलिए कैली पुलिस को इस बारे में बताती है, जिससे मैलरी और कुछ ऑफिसर्स वहां आते हैं। तब पुलिस को उन चीजों से पता चलता है कि ये चीजें उन्हीं मिसिंग हुए लोगों की हैं। यहां कैली ऑफिसर्स को वॉल्टर के बारे में बताती है, क्योंकि उसे सिर्फ वॉल्टर पर शक था, पर कैली को वॉल्टर का नाम नहीं पता था, जिससे मैलरी उसे डांटने लगता है और ट्रेसिया को अपने साथ चलने को कहता है, जिससे कैली को शक होता है कि जरूर मैलरी और ट्रेसिया रिलेशन में हैं और ट्रेसिया के पेट में पल रहा बच्चा भी मैलरी का है। खैर, अगली सुबह कैली घर में अकेली होती है, क्योंकि ट्रेसिया अपनी लॉयर के यहाँ थी और शाम को 7 बजे आने वाली थी, इसीलिए कैली अपने आप को नहीं रोक पाती और ड्रग्स करने लगती है। इसके बाद ट्रेसिया घर आकर कैली को डेनियल का डेथ सर्टिफिकेट दिखाती है, जिससे अब डेनियल सबकी नजरों में मरा हुआ माना जाएगा। फिर सुबह होने पर कैली जॉगिंग करने जाती है, तब उसे रेंटल अपार्टमेंट दिखाई देते हैं, इसलिए घर आकर वो ट्रेसिया को एक अपार्टमेंट में ले जाती है, ताकि वो इस अपार्टमेंट में
शिफ्ट हो सके, जो कि ट्रेसिया को बहुत पसंद आते हैं। इसके बाद वो मैलरी को इस बारे में बताती है और सैम को उसके साथ डेट पर चलने के लिए कहती है। शाम होने पर कैली अपनी बहन को तैयार करती है, जिस दौरान ट्रेसिया को फिर से डेनियल दिखाई देने लगता है। अब मैलरी ट्रेसिया को लेकर बाहर आता है, तभी उन दोनों को डेनियल दिखाई देता है जो कि वापस आ चुका था। यहाँ डेनियल के कपड़ों पर खून लगा हुआ था, जिसे देखकर ट्रेसिया बेहोश हो जाती है। इसके बाद हम डेनियल को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ वो डॉक्टर से पूछता है कि क्या तुम मुझे देख सकते हो, जिससे डॉक्टर हैरान होकर हाँ में जवाब देता है। इसके बाद डॉक्टर ट्रेसिया और कैली को बताते हैं कि डेनियल काफी समय से अंधेरे में था और उसे खाना नहीं मिलता था, जिससे वो बहुत कमजोर हो गया है। अब मैलरी डेनियल के पास आता है और पूछता है कि उसके साथ ऐसा किसने किया है, जिस पर डेनियल बताता है कि वो पिछले 7 साल से जमीन के नीचे था। इसके बाद जब डेनियल को घर लाते हैं, तब वो उस टनल को देखकर टॉयलेट कर देता है, यानी कि वो उस टनल से बहुत डर चुका था और उस टनल में ऐसी कोई चीज है जिसने उसके साथ ये सब किया है। खैर, अब ट्रेसिया और कैली डेनियल को अच्छे से सुला देती है। फिर वो दोनों एक दूसरे से बात करती है, जिसमे ट्रेसिया कहती है कि डेनियल के पेरेंट्स यहाँ आने वाले हैं। इसी बीच मैलरी डेनियल से पूछताछ करने के लिए आता है, तब कैली उसे बताती है कि डेनियल अभी आराम कर रहा है, इसलिए वो बाद में आए। तभी उन्हें ऊपर से डेनियल की आवाज सुनाई देती है, जिससे सभी ऊपर आ जाते हैं, जहां वो देखते हैं कि डेनियल डर के मारे एक चेयर के पीछे छुपा हुआ है। मैलरी उससे कहता है कि हमें तुम्हारे कपड़ों में तुम्हारा वॉलेट मिला है, जो कि अभी भी सही कंडीशन में है। साथ ही तुम्हारे पेट के एक्सरे में किसी जानवर की हड्डी मिली है, जिससे लग रहा है तुम जहाँ भी थे सही सलामत थे। ये सुन डेनियल रोने लगता है, जिससे मैलरी वहाँ से जाने का डिसाइड करता है। पर जाने से पहले वो ट्रेसिया को रात में मिलने के लिए कहता है। रात में हम देखते हैं कि ट्रेसिया डेनियल को उसका डेथ सर्टिफिकेट दिखाते हुए चिल्लाने लगती है और पूछती है कि आखिर वो कहाँ था। वहीं हम कैली को देखते हैं, जो कि अपने रूम में ड्रग ले रही होती है। इसके बाद जब ट्रेसिया मैलरी से मिलने चली जाती है, तब डेनियल कैली के पास आकर बैठ जाता है और उस बुक को पढ़ने लगता है जो कैली ने ट्रेसिया को गिफ्ट दी थी। यहाँ डेनियल कैली को टनल की दीवार में छुपकर रहने वाले एक क्रिएचर के बारे में बताता है, जो कि कीड़े की तरह दिखता है और उसकी स्किन मछली के जैसी है। साथ ही वो कैली से कहता है कि तुम्हें उसके साथ बिजनेस नहीं करना चाहिए था। कैली को उसकी कोई भी बात समझ नहीं आती और वो उसे अपने रूम में जाने के लिए कहती है, जिस पर डेनियल कहता है कि वो मेरे रूम की दीवारों में है। तभी कैली को वॉशरूम से किसी कीड़े की आवाज सुनाई देती है। जब वो चेक करने जाती है, तो एक क्रिएचर उस पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। इधर मैलरी ने ट्रेसिया को अपने बच्चे के बारे में बात करने बुलाया था। ट्रेसिया उससे कहती है कि मैं इन सब चीज से परेशान हो गई हूँ, जिसके बाद वो दोनों किस करते हैं, जिससे पता चलता है कि ट्रेसिया ने मैलरी के साथ जिंदगी बिताने का डिसाइड किया है। जब ट्रेसिया अपने घर आती है, तो वो कैली को टनल से आता हुआ देखती है। कैली बार बार चिल्ला रही थी कि डेनियल को एक क्रिएचर उठाकर ले गया है, जिससे मैलरी उनके घर की छानबीन करने लगता है, लेकिन उसे कुछ भी गड़बड़ दिखाई नहीं देती। कैली उसे बताती है कि मुझ पर कीड़े जैसे दिखने वाले क्रिएचर ने हमला किया था और वो क्रिएचर डेनियल को मेरे सामने टनल की दीवार में ले गया। पर कैली की बातें मैलरी को झूठी लगती हैं और उसे लगता है कि कैली ड्रग्स लेने से ये बातें बोल रही है। पर कैली अपनी बहन को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन ट्रेसिया को भी वो ड्रग के नशे में लगती है, इसलिए वो कैली को थप्पड़ मार देती है। यहाँ ट्रेसिया को लग रहा था कि डेनियल ने उसे और मैलरी को किस करते हुए देखा होगा, जिससे वो उसे छोड़कर चला गया। पर कैली ने ये सब अपनी आंखों से देखा था, इसलिए वो उस क्रिएचर का पता लगाने के लिए सभी मिसिंग लोगों की इन्फॉर्मेशन निकालती है। अगली सुबह कैली ट्रेसिया को वॉल्टर नाम के आदमी के बारे में बताती है कि ये वही आदमी है जो मुझे टनल में मिला था। कैली बताती है कि वॉल्टर भी डेनियल की तरह टनल से गायब हुआ था और उसके बेटे जेमी ने सबसे कहा था कि उसके पिता को एक क्रिएचर लेकर चला गया है। साथ ही वो टनल के पास से गायब हुए कई लोगों के बारे में बताती है, जिसमें से कुछ लोगों को पुलिस ने ढूंढ लिया था और उनसे पूछताछ करने से पता चलता है कि वो लोग शहर के नीचे बनी अंडरग्राउंड केव में थे। लेकिन ट्रेसिया को अभी भी कैली की बातों पर यकीन नहीं था, जिस पर कैली उसे उस क्रिएचर की हिस्ट्री बताते हुए कहती है कि ये क्रिएचर इंसानों को अपनी दुनिया में ले जाकर उन्हें टॉर्चर करते हैं। इसी बीच डेनियल के पेरेंट्स
वहां जाते हैं। तब ट्रेसिया बताती है कि डेनियल फिर से कहीं चला गया है, जिससे उसके पेरेंट्स बहुत दुखी होकर रोने लगते हैं। इसके बाद एक डिटेक्टिव उनके घर पर आता है और उन्हें टनल के पास मिली डेड बॉडी को आइडेंटिफाई करने को कहता है। जब ट्रेसिया और कैली वहाँ जाते हैं तो देखते हैं कि वो डेड बॉडी वॉल्टर की है। तभी वहाँ मौजूद एक लड़का वॉल्टर को देखकर रोने लगता है। तब पुलिस उसके पास रखी एक पॉलीथीन देखते हैं, जिसमें एक डॉग रखा हुआ था। दरअसल ये लड़का वॉल्टर का बेटा जैमी था, जो कि उस क्रिएचर को डॉग देता था, जिसके बदले वो क्रिएचर थोड़ी देर के लिए वॉल्टर को छोड़ देता है। यही कारण था कि जब कैली ने टनल के बाहर खाना रखा था, तब उस क्रिएचर ने उस खाने को ट्रेड यानी कि बिजनेस समझा और उस खाने के बदले डेनियल को कुछ समय के लिए छोड़ दिया। खैर, यहाँ पुलिस को लगता है कि जैमी ने ही सारे डॉग्स को किडनैप किया है, इसलिए वो उसे अरेस्ट कर लेते हैं। पुलिस की पूछताछ से उन्हें पता चलता है कि वो वॉल्टर का बेटा है, पर जैमी पुलिस को कुछ भी नहीं बता रहा था। इधर ट्रेसिया और कैली रात होने पर सोने चले जाते हैं। तब वो क्रिएचर उनके घर में आ जाता है और ट्रेसिया को उठाकर ले जाता है, जिससे कैली जल्दी से पुलिस के पास जाती है और उन्हें सारी बात डिटेल में बताती है। वहीं मैलरी ट्रेसिया के कारण बहुत दुखी होता है और वो सोचता है कि ट्रेसिया और डेनियल नई जिंदगी शुरू करने यहाँ से भाग गए हैं। अब कैली घर पर आती है और अपनी रिसर्च की एक फाइल बनाकर और उस बुक को मैलरी के लिए बेड पर रख देती है, जिसके बाद वो उस टनल में जाकर ट्रेड बोलकर चिल्लाती है, यानी कि वो उस क्रिएचर से बिजनेस करना चाहती थी। तभी वो क्रिएचर आवाज करते हुए वहां आता है और कैली को अपने साथ ले जाता है। अगली सुबह जब मैलरी ट्रेसिया के घर आता है तो उसे वहां कैली की फाइल मिलती है, साथ ही वो उस बुक को देखता है जिसमें लिखा था कि जो भी नीचे है उससे बचकर रहना। इसके बाद मैलरी पुलिस को बुलाकर कैली और ट्रेसिया की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाता है। यहाँ मैलरी को लग रहा था कि ट्रेसिया डेनियल के साथ भाग गई है, जिस पर एक ऑफिसर उससे कहता है कि ट्रेसिया अपना सब कुछ सामान छोड़कर क्यों भागेगी। अब मैलरी ट्रेसिया और कैली की मिसिंग पोस्टर लगाता हुआ नजर आता है, जिस दौरान उसे टनल के पास कैली दिखती है, पर तभी वो अचानक से उसे दिखना बंद हो जाती है, जबकि कैली उसे देख रही होती है। यहाँ हम कैली के कंधे पर उसी क्रिएचर के हाथ को देखते हैं, जिसका मतलब था कि अब कैली डेनियल और ट्रेसिया हमेशा के लिए क्रिएचर की दुनिया में फंस चुके हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।